बड़ी अदालत आज दो अहम फैसले सुनाने जा रही है। दोनों फैसले राफेल फाइटर जेट से जुड़े हैं। पहला मामला उस पुनर्विचार याचिका पर आना है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी थी, और दूसरा फैसला राहुल गांधी के उस बयान पर आना है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। पहला राफेल विमान तो हिंदुस्तान आ गया, मगर राफेल पर मचे घमासान पर फैसला आना अभी बाकी है, और आज सुप्रीम कोर्ट के हाथे से वो फैसला भी जनता तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट राफेल से जुड़े दो मामलों में आज फैसला सुनाएगा। पहला मामला राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डाली गई तीन पुनर्विचार याचिकाओं पर होना है। दूसरा फैसला राफेल केस में राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान पर आना है। पहले पहला मामला समझिए। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में धांधली के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन पुनर्विचार याचिकाएं डाली गईं। तीनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। आज सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में फैसला सुनाएगा। अब दूसरा मामला समझिए। 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। 12 अप्रैल को राहुल गांधी के बयान के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान पर जवाब तलब किया। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि चुनावी रैलियों के दौरान बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से देखे गलती से बयान दे दिया, इस बयान के लिए खेद है। 23 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब ये कि आज का दिन राफेल के नाम पर हंगामा खेज होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि राफेल सौदे में केंद्र सरकार ने घोटाला किया। राफेल के मामले में बहुत बड़ी तरीके से स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि कई सारे वहाँ के अंदर इरेगुलरिटीज रही, गलतियाँ की, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा दिलवाया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश की मतलब रेवेन्यू को, या हमारे देश के जो फंड्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि न्याय मिले। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने आदेश के खिलाफ ही डाली गई पुनर्विचार याचिका पर क्या फैसला लेता है। आज तक ब्यूरो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सबरीमला विवाद पर भी फैसला सुनाया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी या नहीं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर साह्य पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगलों के बीच में है सबरीमला का ये प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर की सनातन धर्म को मानने वालों में बड़ा महत्व है, मगर इसकी जितनी प्रसिद्धि है अब उतना ही बड़ा विवाद भी इसके साय में है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत इसी मंदिर से जुड़े विवाद पर फैसला सुनाएगी। विवाद है क्या, पहले वो समझ लीजिए। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए लड़ाई काफी समय से चल रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो सवाल यही है कि क्या सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश की पाबंदी जारी रहेगी या फिर सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश को इजाजत मिलेगी। ये दो सवाल हर उस आदमी के दिल पर दस्तक दे रहे हैं जिसका सीधा जुड़ाव केरल के प्राचीन मंदिर सबरीमला से है। मगर महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से कम ही उम्मीद है।
वी हैव एक्सपेक्टेशंस बट वी आर नॉट लाइक प्लेसिंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन द पास्ट सो बट देन वी हैव फेथ इन द करंट बेंच एंड द करंट चीफ जस्टिस सो वी होप दैट दिस इश्यू इज सीन विद अ डिफरेंट ग्लास दिस टाइम। इधर फैसला सुनाए जाने से पहले सबरीमला के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंदिर के ही आसपास 10,000 के आसपास सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि अदालत धार्मिक मान्यताओं को तरजीह देकर फैसला सुनाता है या फिर समानता की बात कहकर महिलाओं के हक में फैसला देता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।